Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. हेलो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल नविता क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया है वही रोज़ वाला रूटीन। तो बच्चा चला गया है इस टाइम तक स्कूल, और टिफ़िन में आज मैंने बनाए थे आलू वाले पराठे, मतलब आलू के भरवा पराठे। सो बस वो एक खा के चला गया है और दो मैंने उसके टिफ़िन में रख दिए हैं। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद में स्टार्ट होता है अपना क्लीनिंग डस्टिंग वाला रूटीन रोज़ का। वही होता है हम लेडीज़ का, क्या होता है ना स्पेशली, मतलब हाउसवाइफ का, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनका तो अलग होता है, लेकिन हम जो हाउसवाइफ होती हैं उनका जो रूटीन है वो रोज़ रोज़ का सेम होता है। वही सुबह सुबह उठो, टिफ़िन बनाओ, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस, नाश्ता, चाय, खाना। तो मतलब यही होता है रोज़ का, सेम रूटीन होता है। तो चलिए कोई नहीं, और हम लेडीज़ का पूरा ध्यान, मतलब जो हाउसवाइफ होती है उनका पूरा ध्यान अपने घर को संभालने में, बच्चों को संभालने में, हस्बैंड को संभालने में, इन्हीं में ही रहता है। सो यही होता है, तो चलिए कोई नहीं। लेकिन बात होती है ना कि सबका, सबको संभालने का तो ध्यान रहता है, लेकिन जहाँ बात अपनी आती है ना, अपनी सेल्फ केयर की, तो हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। लाइक जैसे कि तैयार होना है, खुद को पैम्पर करना है, तो आलस कर लेते हैं कि चलो कौन सा कहीं जा रहे हैं बाहर, या कोई थोड़ी ना आ रहा है घर पर मिलने के लिए कि तैयार शैयार होकर बैठे। कोई नहीं, ऐसे ही रहते हैं। नए नए कपड़े पहनने हों तो नए कपड़ों को तो हम लोग उठा के रख देते हैं कि जब बाहर जाएंगे तब पहनेंगे, घर में ही तो हैं, कौन देख रहा है, ऐसे ही अपना चलता है। तो ये होता है, माइंडसेट हो जाता है ना हाउस लेडीज़ का कि घर घर में है, कोई नहीं है, कौन देख रहा है, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो जितना मतलब मतलब कुल मिला के ये है कि अपनी जहाँ पे बात आती है ना, तो आलसी हो जाता है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, तो माइंडसेट रहता है। तो चलिए ठीक है। और बेटा चला गया, उसके बाद में नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने भी, एक एक पराठा खा लिया था बड़े बेटे ने भी और मैंने भी। उसके बाद में लग गई अपने रोज़ वाले काम पे, डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए। और यहाँ पे ना ये बॉल्स रखी हुई थी, इनको लेके आई थी मैं गाड़ी में रखने के लिए, गाड़ी में रखूँगी मैं ये, तो मुझे दिखाई देगी, सामने कबर्ड में रखी थी। तो बेटा हाथ करने लगा तो मैंने उसको दे दी, मैंने कहा चलो ये खेल लेगा तब तक। और मैं लग गई हूँ यहाँ पर, ये जो टी वी वाली एरिया है ना, इसकी सफाई करने के लिए। इसकी डस्टिंग काफ़ी टाइम से नहीं हुई, काफ़ी टाइम बोले मतलब 7-8 दिन हो गए मेरे को इसकी डस्टिंग किए हुए, और काफ़ी डस्ट हो गई है इसके ऊपर। एक्चुअली मैं इसको छोड़ रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कपड़ा बिछा रखा है नीचे, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि एक ना जो पेपर नहीं आता वॉलपेपर, कि वो लेके आऊँगी मार्केट से और उसको बिछाऊंगी मैं यहाँ पे नीचे, तो कपड़ा हटाऊंगी। और ये ना टीवी मतलब पुराने स्टाइल वाला है, मेरी शादी का टीवी है, ये बहुत हैवी है, मुझसे अकेले से ये उठता नहीं है। तो इस बार वो आए थे संडे में, तो मैंने उनको बोला, तो उनका उन्होंने बोला कि नहीं मेरा तो ना फुल रेस्ट करने का मूड है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ और नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो बस ये वाला रह गया है यहाँ पे, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना ये वाला एरिया टीवी वी हटा के सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी ना, फिर मैं उसको बिछा पाऊँगी। तो इस चक्कर में ना ये रह गया, फिर मैंने सोचा चलो जब चेंज होगा तब होगा, फिलहाल मैं इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी थोड़ी बहुत, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से ना खाली कर दूँगी और अच्छे से इसको कर दूँगी मैं क्लीन। यहीं पर म्यूज़िक सिस्टम भी रखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ पर जो अलमारी है उसमें खिड़की विड़की तो है नहीं, मतलब कबर्ड तो लगी हुई है, मतलब बंद नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, ऐसी है खुली। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ होती है ना, तो बस रख देते हैं रैंडमली यहाँ पे, तो वो चीज़ें फिर होती रहती हैं। तो यहाँ से मैंने सारा सामान हटा दिया है और उसको अच्छे से कर दिया है डस्ट फ्री। और उसके बाद में ना सारे घर में मैंने निकाल दी है झाड़ू। और यहाँ पे ना ये कंडील है, जैसे दिवाली पे लाते हैं ना, दिवाली पे लगाने के लिए, तो मुझे ये अच्छा सा लग रहा है। मैंने सोचा ये यहाँ पे भी तो रखा ही रहता है फालतू में, तो इसको ना यहाँ पे लगा देती हूँ, जो ऊपर पाइप है ना सेंटर में इसको टंगा देती हूँ। लेकिन फिर मैं चेयर पे चढ़ी और मेरा हाथ ही नहीं गया, बहुत छोटा पड़ गया। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो देखते हैं। तो बस काम के बीच में ना मैं यहाँ पे फ्रूट कट करके लेके आ गई हूँ खरबूजा। मैंने सोचा चलो 5 मिनट का फ्रूट ब्रेक ले लेते हैं। और इस टाइम भी ना दिमाग में मेरे वही चल रहा है कि इसको कैसे मैं टांगू पाइप पे, कैसे मैं ऊपर तक हाथ पहुँचाऊँ। होता है ना कि एक बार चीज़ दिमाग में बैठ जाती है कि इसको करना है तो फिर करना है,
तो देखिए यहाँ पे ना मैंने रिस्क ले लिया, मैं इसमें जो वो है ना कबर्ड में चढ़ गई पकड़ पकड़ के, और यहाँ पे ना सपोर्ट नहीं था पकड़ने के लिए, बड़ी मुश्किल से चढ़ी हूँ मैं। और उतरते टाइम पे क्या हुआ, मेरा हाथ ना स्लिप, ऐसा हो रहा था कि हाथ स्लिप हो जाएगा, तो मेरे मुँह से एकदम से आवाज़ निकली, तो मेरा बेटा ना बेड पर बैठा था एकदम से भाग के गया, जैसे बच्चे गिरते हैं ना, फिर हम जाते हैं ना उठाने के लिए तो उसको लगा कि मम्मी गिरने वाली हैं, तो एकदम से मतलब ऐसा आया उसके दिमाग में कि वो सपोर्ट देने के लिए एकदम से भाग गया। हालाँकि मतलब ये बड़ी बात है ना, वो एक उसके माइंड में ये चीज़ आई कि मम्मी को लग सकता है, तो एकदम से गया वहाँ पे, तो मुझे बड़ा टच सी हुई ये वाली बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए आलू और प्याज लहसुन रखे हुए थे, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैंने पन्नी में से निकाल के इसको यहाँ पे स्टोर कर दे रही हूँ। और इस वाली जाली में ना एक दिक्कत रह गई, जब मैंने ली ना ये, तो मैंने उस टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया, ये नीचे से तो जैसे इसके तार है ना वो मतलब कि छोटे छोटे होल हैं, लेकिन ऊपर को आते आते ना वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो जो मोटे मोटे आलू प्याज होते हैं वो तो आराम से स्टोर हो जाते हैं, लेकिन पतले पतले ना इसमें से निकलते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अलग से मुझे लाइनिंग लगा के रखनी पड़ी इसमें, तब जाके इसमें आलू प्याज लहसुन वगैरह रखा जाता है। लेते टाइम पर मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि इसमें से ही निकल जाएगा, तो ये होता है। फिर अब मैं सोच रही हूँ ना प्लास्टिक वाली बास्केट लेके आऊँगी और ये कुछ और सामान रखने के लिए यूज़ कर लूँगी मैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट से अपना लंच बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा तड़का तैयार किया है प्याज जीरा और मेथी के साथ में, तो मैं यहाँ पर ना कढ़ी बना रही हूँ, और इसी बीच में ना हमारा सिलेंडर बुक किया हुआ था वो आ गया, तो मैंने गैस को बिल्कुल लो कर दिया और वो लेकर आ गई हूँ मैं बाहर से। और इधर देखिए हमारी जो प्याज हैं वो भी अच्छे से ब्राउन होने लगी हैं, तो इनको किया है मैंने साइड में, और इसमें सेंटर में ऑयल में डाल दिए मैंने थोड़े से चावल। तो हमारे यहाँ पे मतलब शुरू से ही डलते हैं चावल कढ़ी में, जब तड़का लगाते हैं ना तो प्याज के साथ साथ में थोड़े से चावल डाल देते हैं, तो बस मैं भी ऐसे ही डाल देती हूँ। और उसके बाद में जो घोल हमने बना के रखा हुआ था दही और बेसन का, वो डाल दिया है, थोड़ा सा ऐड कर दूंगी पानी, एडजस्ट करूंगी नमक मिर्च वगैरह, और इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए। और आज ना प्लेन कढ़ी बनाई है मैंने, कोई पकोड़े वकोड़े नहीं डाले, कोई अलग से सब्जी नहीं डाली। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, मैं गुड़ भी डालूंगी हल्की सी, खट्टी मीठी सी मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं हल्का सा डाल दिया है बस। इसको अब लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी पकने के लिए, तब तक के लिए मैं अपना आगे के जो काम है वो निपटा लूंगी, साथ के साथ जो काउंटर टॉप पे सामान फैल गया है उसको कर दूंगी मैं क्लीन। कढ़ी में एक उबाला आ गया है, अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, अब 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि कढ़ी का मतलब ही है उसको अच्छे से कढ़ा के पकाना। और इधर ना मैंने मशीन लगाई हुई है, तो मैंने सोचा चलिए तब तक कपड़े का काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। और इस वाली मशीन में ना मतलब मशीन में मैं पानी नहीं निकालती कपड़ों में, मुझे ऐसा लगता है कि साबुन रह जाता है, और मेरी वाली मशीन में रह भी जाता है, अगर इसके पानी निकले हुए में फिर मैं उन कपड़ों को निकालूँ ना पानी में तो हल्का सा साबुन निकलता है, इससे अच्छा तो है मैं फटाफट से बस ऐसे ही निकाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं सोची थी कि ड्रायर में डाल दूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े धुले ना तभी लाइट चली गई, तो मैंने उनको बस यहाँ पे छोड़ दिया है, थोड़ा सा पानी निकल जाएगा फिर मैं इनको फैला दूंगी। तो देखिए सारा काम मेरा जो है सेट है, और बीच में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे तो उसमें भी सीटी आ गई है, तो कढ़ी भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, पूरा काम हो गया है इस टाइम। बस अब हम खाना एंजॉय करेंगे, बड़ा बेटा बार बार आ रहा है पेट पे हाथ रख रख के बता रहा है, जब खाना बनता है ना वो पेट पे हाथ रख रख के बता देता है कि, और ऐसे करता है आवाज़ ऐसे निकालता है जैसे कितनी भूख लगी है सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, इस तरह से करता है पेट पे हाथ रख के बताता है। तो बस चलिए फटाफट से मैं उसको भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। बस मैं यहाँ पर अब कपड़े लेके बैठ गई हूँ, इनकी तह लगा दूंगी, और ये आज के धुले हुए कपड़े नहीं है ना ही ये कल के हैं, ये वो कपड़े हैं जिनका पसारा मेरे बड़े बेटे ने फैलाया है। ये क्या करता है, इसको सोख चढ़ता है, निकाल के तह बनाने की कोशिश करता है ये, और अलमारी में से एक कपड़ा निकालेगा और एक के साथ में चार गिरा देगा, तो ये वो कपड़े हैं, तो ये फैले हुए थे जो ऊपर ऊपर, फिर क्या करता है उनको उठाता है करता है और फिर भुज्जी बना के उनको ऐसे ही ठूस देता है कबर्ड में। तो बस मैं वो निकाल के लाई हूँ दोनों में से, जो मुझे ऊपर फैले फैले से दिखाई दिए, मैंने कहा चलो इनकी तह लगा के मैं सेट कर देती हूँ। और इसमें जो ये शर्टें वर्टे हैं इन पर मैं प्रेस लगाऊँगी, ये छोटे वाले बच्चे की यूनिफॉर्म है तो मैं लगा दूँगी शाम के टाइम में प्रेस,
तो बस फटाफट से मैंने इनकी तह लगा दी है और जो वे कपड़े पड़े थे उनको भी मैंने फैला दिया है, वो सूख जाएंगे शाम तक, नीचे ही डाल दिया मैंने, ऊपर नहीं डाला। और यहाँ पर देखिए बेटा भी आ गया है, तो टाइम हो गया है ये 2:35 या 2:40 का ये टाइम था और ये आ गया। और इस टाइम इसकी हालत ना ऐसी हो रही है, पसीने में बिल्कुल पिलपिला आम जैसा, यही होता है इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना। तो इसने चेंज किया, मैंने कहा चल अब ऐसे ही बैठ जा थोड़ी देर के लिए कच्चे बनियान में, थोड़ा कूलर के सामने बैठ के अपना खाना वाना खाएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा खेलेगा गेम वेम, फिर बाद में पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा, तो यही रहता है बच्चों का। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यहाँ पे ना ये बताते रहता है कि इसके स्कूल में क्या हुआ, किसने क्या बोला ऐसे करता ना, हाँ। तो ये खाते खाते भी बोलता रहता है, पूरी स्टोरी बताता रहता है। मैं बोलती हूँ कि पहले खा ले आराम से, फिर बाद में बात करना। तो बस यहाँ पे ये वही अपने स्कूल की बता रहा है कि किसने क्या बोला, मैम ने आज क्या पढ़ाया, बच्चों ने कौन सी शरारती की, किस किस में झगड़ा हो गया। और आज कोई आइसक्रीम खा रहा था वहाँ पे बस में आते हुए, तो जैसे ब्रेक लगे तो बस में झटका सा लगा, वो इसके ऊपर आके गिर गई, इसकी शर्ट पे कलर आ गया ऑरेंज कलर का और मेरी टाई खींच के भाग गया एक बच्चे ने इसकी टाई खींच दी तो टाई की नोट खुल गई। टाई वाई नहीं खींचनी चाहिए, कभी गले में खींच जाती है पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस वीडियो का मैं यहीं पे अपना आज की क्लोज़ कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ, बाय।